नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सुख समृद्धि, अमन चैन और आपसी सौहार्द की दुआ के साथ मांडर तथा चान्हो प्रखंड के विभिन्न मस्जिदों एवं ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलकर एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद लोगों ने दिया। मुड़मा ईदगाह में मौलाना अब्दुल जलील काश्मी नदवी ने ईद की नमाज अदा कराई और देश के सभी धर्मावलंबियों को ईद की मुबारकबाद दी। मांडर मस्जिद हेरा में भी नमाज के बाद सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहा। थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने अपने नेतृत्व में सभी मस्जिदों तथा ईदगाहों में गश्ती व बलों को ड्यूटी देकर संपर्क बनाए रखे थे। अभी तक कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। मुड़मा में आबिद अंसारी, जमील अंसारी, शमीम अख्तर आजाद, वासिद अंसारी, सिद्दीक अंसारी, शेख मोइन सहित अन्य लोग अतिथियों के खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। थाना प्रभारी ने मांडर की जनता को आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ हर त्योहार मनाकर मिशाल कायम रखने के लिए धन्यवाद दिया। सारे लोगों से, चाहे वो केंद्रीय से, राज्य सरकार से, ग्रामीण क्षेत्र से, जितने भी बड़े या छोटे हैं, उनसे हमारी एक इंतजा है कि आज ईद उल फित्र के मौके पर ये ईद उल फित्र एक खुशी का माहौल बनाता है, खुशी का दिन है। इसके मतलब ही ईद के मतलब ही खुशी होती है। मैं सारे जातियों से, हर कौम से इंतजा करना चाहूँगा कि ये सारे चीज़ों को, तनाव को मिटाते हुए भाईचारगी लाएँ और एक और नेक बन के इस दुनिया के लिए, एक विकास के लिए अपना 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 सब कोई भागीदार हो। आज हमारी नमाज ईद उल फित्र की 7:30 बजे रखे हुए थे। ईद की नमाज हो चुकी है। सारे लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। इस खुशी के मौके पर हम तमाम लोगों को फिर से पुनः एक बार ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज का दिन जो है उखुवत भाईचारगी को बढ़ावा देने का दिन है। ईद न सिर्फ मुसलमानों के लिए है, बल्कि ये तमाम हिंदुस्तान में बसने वाले, पूरे आलम में बसने वाले लोगों के लिए है। आज हमने, हमारे अंदर आज इस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इस मौके से हम अपने बिरादरी वतन के साथ गले से गले मिल करके एक दूसरे के अंदर जो शिकायतें हैं उसे दूर करें और हम हिंदुस्तान के विकास में, खासतौर से अपने विकास में और अपने लोगों के विकास में हम अपने जहनो दिमाग को उसमें लगाएं। और ख़ासतौर से इस मौके से यही है कि नेशनल इंटीग्रेशन के तहत कौमी एकजहती को ये बहुत अच्छा मौका है कि ऐसे मौके से हम सेलिब्रेट में भी उन लोगों के साथ शेयर करें और उनके ज़रिए जो है ना, हम मुअल्लफतिल कुलूब के तहत जो है एक दूसरे के दिलों को जोड़ें और इसको जो है हम इसको एक बढ़ावा दें और हम हिंदुस्तान के लिए एक एग्जाम्पल और एक मिसाल बन सकें। और हम इस जगह पर हमारे जो लबे रोड, सरे राह, नेशनल हाईवे पर जो हमारा मुड़मा ईदगाह है और इस ईदगाह और इस रोड की जो बिजी पना है और इस बिजी पना को कंट्रोल करने में और यहाँ की भीड़ को कंट्रोल करने में जिस हुस्ने अखलाक के साथ, जिस खुश उसलूबी के साथ कल से ही, शाम से ही हमारे थाना प्रभारी के, खास तौर से मैं आभारी हूँ कि उन्होंने अपने पूरे बल के साथ, अपने पूरे स्टाफ के साथ यहाँ पर जमे हुए हैं ताकि किसी तरह से नागहानी हादसा ना हो और उन और ये खैर शकाली का पैगाम भी दे, वो हमारे लिए खास तौर से खड़े रहे कल शाम से लेकर कभी नमाज के अदा करने के बाद तक। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ खास तौर से हमारे थाना प्रभारी का और हमारे मांडर प्रशासन का। सिर्फ आज ही नहीं बल्कि इस तरह के जब भी मौके आए, उन्होंने बड़ी तनदेही के साथ, बड़ी मुस्तैदी के साथ और बड़ी तनदेही के साथ उन्होंने इसके हमारे लिए अपने वक्त को और अपनी सेवा उन्होंने प्रदान की है। इसके लिए मैं पूरा उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद रखते हूँ कि जब तक हमारे ये ताला परवारी यहाँ पर मौजूद हैं, यकीनी तौर पर जो है मैं ये उसूख के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ किसी भी तरह से अपने अमान को कोई बिगाड़ने की ताकत नहीं रख सकता है, क्योंकि हम खुद भी अमन पसंद हैं और हमारे थाना प्रभारी के साथ मिलकर के यहाँ अमन को ही फैलाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं पुनः हमारे थाना प्रभारी का शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया।